bird on a tree. I'm just sitting here. I got time. It's clear to see. From up here, the world seems small. We can sit together. It's so beautiful, you and me. In the great outdoor. Hi, good evening. Mera naam hai Rahul. इस पर्टिकुलर ब्लॉग का नाम है वेडिंग नोमैड और मैं आपको ले चलूंगा इस एक ऐसी जर्नी के ऊपर जहां पे हम लोग डिस्कस करेंगे इंडियन वेडिंग सिस्टम्स एंड इंडियन वेडिंग इंडस्ट्री के बारे में. कहते हैं इंडियन वेडिंग इंडस्ट्री इज 10% ऑफ द एंटायर वर्ल्ड्स वेडिंग मार्केट. कंसिडरिंग द फैक्ट कि वेडिंग इंडस्ट्री हर साल बढ़ रही है एंड लॉट ऑफ न्यू रिजॉर्ट्स, लॉट ऑफ न्यू सर्विसेज आर कमिंग अक्रॉस, आई थिंक कहीं ना कहीं ये फिगर्स सही भी हैं. Now, I have been trying to start this particular vlog for a very long time, but काम की वजह से और किसी ना किसी reason से, travel की वजह से, I could not come across with the correct content to start this vlog. And I had to take a lot of permissions in terms of the hotels, in terms of the service providers, to come across and talk to you guys. चाहता मैं ये था कि आप लोगों तक correct और सही कंटेंट पहुंचे और सही इन्फॉर्मेशन पहुंचे. वी हैव अ ह्यूज नंबर ऑफ वेडिंग्स एंड इवेंट्स विच हैपन ऑन द इंटरनेशनल सॉयल, चाहे वो फिर साउथ ईस्ट एशिया हो, श्रीलंका हो, सो मालदीव्स हो, देन देर आर कंट्रीज लाइक मॉरिशस, वहाँ पे भी वेडिंग्स होती हैं, वहाँ एनिवर्सरीज मनाई जाती हैं. देन देर आर कंट्रीज लाइक UAE विच हैव सम ऑफ द वेरी एक्स्ट्रावेगेंट वेडिंग्स. There are a lot of new destinations which have come up over the years and a lot of countries are promoting their destinations in a very beautiful way. There are countries like Vietnam, then there's Croatia, then we have Singapore, then we also have Bali, which is a new destination, not a new destination though, but over the years काफी preferable हो गई है market के अंदर. Sri Lanka is one destination which is very much upcoming in the market today. And then hamare country itself, our country has lot of different destinations jahan pe log aaj ki date ke andar offbeat weddings karna chahte hain. And वैसे भी आज की डेट में government policies को लेके and the COVID scenario which is going on right now, the number of people has been reduced in the gathering. So, उस point की वजह से people have, as it is अभी international fly नहीं कर सकते, so a lot of people have decided to hold their weddings in India itself. And India market के अंदर there are a lot of destinations that are still unexplored. Goa के काफी ऐसे resorts and regions हैं जो अभी तक एक्सप्लोर नहीं हुए थे, पीपल हैव स्टार्टेड लुकिंग आउट फॉर दोज. देन राजस्थान अनटैप्ड टेरिटरी है, बहुत सारी ऐसी डेस्टिनेशंस हैं, जोधपुर है, बीकानेर है, जैसलमेर है, फ्लाइट कनेक्टिविटीज स्टार्ट हो गई हैं, ट्रेन कनेक्टिविटीज ऑलरेडी थी, पीपल हैव स्टार्टेड थिंकिंग अबाउट दीज डेस्टिनेशंस. अगर आप वेस्ट साइड में और देखें तो देर आर लॉट ऑफ स्मॉलर एरियाज. करजत है जो मुंबई से कुछ घंटे के डिस्टेंस के ऊपर है, अलीबाग है, देन अगेन वन ऑफ द मेजर डेस्टिनेशंस. अगर आप ईस्ट साइड पे जाएं तो देर आर ईस्ट एंड पे भी देर इज कैलिंगपोंग, कोलकाता से थोड़ी डिस्टेंस के ऊपर है, बट स्मॉलर गैदरिंग्स के लिए इट्स अ ब्यूटिफुल डेस्टिनेशन जहाँ पे लोग देख सकते हैं इसके बारे में एंड जान सकते हैं इसके बारे में. वी विल बी डिस्कसिंग दीज इन द अपकमिंग ब्लॉग्स. चाहते हम ये हैं कि आप आने वाले टाइम के अंदर मुझे बताइए कि ऐसी कौन सी डेस्टिनेशंस हैं, ऐसी कौन से सर्विसेज हैं जिसके बारे में आप जानना चाहते हैं, आपका इंटरेस्ट कहाँ पे है. और मैं चाहता हूँ कि आप मुझे चुपके से बता दीजिए, एक छोटा सा मैसेज छोड़िए और मुझे बताइए कि किस चीज़ के बारे में आप बात करना चाहते हैं. देखिए,
वो चाचा जी जो है ना, उन्होंने बोला था कि उनकी जैसलमेर में शादी हुई थी। दैट इज अ गुड ऑप्शन, वहां काफी रिजॉर्ट्स हैं। ओ, हिमाचल के अंदर बहुत सारे न्यू रिजॉर्ट्स आने शुरू हो गए हैं। हैव पीपल स्टार्टेड लुकिंग आउट फॉर दैट पर्टिकुलर रीजन? उत्तराखंड, बहुत सारे ब्यूटीफुल रिजॉर्ट्स आर कमिंग अप, दैट इज अ गुड डेस्टिनेशन। कौन सा महीना बेस्ट है, कौन सी डेट्स प्रेफरेबल हैं? कोविड के बाद में क्या सिचुएशन बन सकती है? कोई ऐसे रिजॉर्ट्स हैं जिनके पास में बहुत बड़ी इन्वेंट्री ना हो और हम टोटल रिजॉर्ट बाय आउट कर लें? ये सभी क्वेश्चंस आप लोगों के मैं आंसर करके दूंगा आपके लिए, और आपके साथ में ये सभी नॉलेज शेयर करूंगा। लेकिन उसके लिए आपको सबसे मेजर चीज करनी पड़ेगी, वो है सब्सक्राइब बटन। लाल रंग का बटन है, प्रेस कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और एक उसके बिल्कुल साथ में है एक बेल आइकॉन। बेल आइकॉन को प्रेस करना मत भूलिएगा, नेक्स्ट टाइम के आपके व्लॉग्स के बारे में आपको सारी खबर मिलती रहेगी। इसी के साथ में एक लाइक बटन है, प्लीज प्रेस कीजिए, लाइक कीजिए, सो दैट मुझे थोड़ा सा और प्रोत्साहन मिलेगा ताकि मैं आगे के लिए अपने व्लॉग्स को और अच्छे से तैयार कर सकूं, आपके लिए और डेटा इकट्ठा करके दे सकूं। एंड प्लीज कमेंट कीजिए, बताइए मुझे कि ऐसी क्या चीजें हैं जो आप जानना चाहते हैं वेडिंग एंड इवेंट्स इंडस्ट्री के बारे में।